वह जब पैदा हुई तो दुनिया को देख नहीं सकती थी। उसकी दोनों आंखों की रोशनी कुदरत ने बख्शी ही नहीं थी। मोक्ष नगरी में पैदा होना उसके लिए सौभाग्य था या फिर दुर्भाग्य, या तो उसे भी नहीं मालूम था, लेकिन दुखों से उसकी मुक्ति मोक्ष नगरी में लिखी थी। जिन हाथों ने उसके दुखों को स्पर्श कर उससे मुक्ति दिलाई, उसी ने उसका नाम अहिल्या रख दिया। वाराणसी में जब अहिल्या का जन्म हुआ तो वह दुनिया नहीं देख सकती थी। लोगों का दिल जब नहीं माना तो उन्होंने पशु प्रेमी मेनका गांधी से संपर्क साधा। वाराणसी से शख्स ने फोन कर मेनका गांधी को बताया कि कुत्ते का एक बच्चा उनके पास है जिसकी दोनों आंखें नहीं है। मेनका गांधी को यह भी बताया गया कि उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इतना सुनते ही मेनका गांधी ने तुरंत उस शख्स को सुल्तानपुर पहुंचकर कुत्ते के बच्चे के साथ मिलने के लिए बुलाया। शख्स वाराणसी से कुत्ते के बच्चे को लेकर सुल्तानपुर मेनका गांधी की आवास पर पहुंच गया। दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने जैसे ही कुत्ते के बच्चे को देखा तो उसे लेकर अपने शॉल से ढक लिया। मेनका गांधी कुत्ते के बच्चे पर प्यार और दुलार लुटाने लगी। मेनका गांधी कुत्ते के बच्चे को अपने कमरे में भी ले गईं और उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर दिल्ली जाएंगे, इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इसी के साथ मेनका गांधी ने कुत्ते के बच्चे का नाम अहिल्या रख दिया। ईटीवी भारत के लिए सुल्तानपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।